जिंदगियां कैसी, जो बात ये कह रहे वो किचड़ी है इनके पास, हमारी इतफाक इनकी जिंदगियों में क्या ये बुनिया अलग उम्मत बुनियाद को देख कर चलेगी। तो अल्लाह ने कहा वो हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत हमने आप में रखी है, आज तवा लिहाजा आप उस पर जमे रहें। मेरे बुजुर्गों उम्मत का ये हाल है, घरवाली अपने शोर की नहीं सुनती, बीवी अपने शोर की नहीं सुनती, बेटा अपने बाप की नहीं सुनता, उम्मत मेरी तुम्हारी कैसे सुनेगी। अगर हम ये चाहते कि हमारे साथों से उम्मत को नफा पहुँचे तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये काम करने वाला अपने को इस काम में बेवजन बना दे कि मत बने, कोई पूछे ना पूछे, काम करे ना करे, चाय पिलाए ना पिलाए, हमको आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, हमें करना है। ये बुनियाद है उम्मत को करीब लेने का, ये रास्ता है। अल्लाह ने कहा ये जो हम आपके साथ काम कर रहा है ना ये गलती करेगा। हाँ ये हमारा जितना बैठा हुआ मजमा को औसत को तो बराबर है क्या, कोई मालिक अल्लाह दावा कर सकता है कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया। ये तो अल्लाह का एहसान है मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने हम जैसे गिरोह पर ऊपर अपनी सत्तारी का पर्दा डाल के रखा है, हमारी तफ्तीशों को कोताहियों को हमारे गुनाहों को हमारी कमी बेशियों का डाले छुपा के रखा है। मैं कसम खा कर कहता हूँ जिस दिन अल्लाह ये सत्तारी की चादर हमारे सरों से उतारेगा ना, हम किसी के सामने वो दिखाने के भी लायक नहीं रहेंगे। अल्लाह ने क्या कहा, नबी जी ये अमला तुम्हारे साथ जो चल रहा है ना ये गलती करेगा, लेकिन नबी को भी इजाजत नहीं कि इनकी गलती करने पर इनका बायकाट किया जाए, इनको रोका टोका जाए, इनको निभाओगे। आज हम अपने अमले को निभाओगे ना क़यामत में अल्लाह मेरे को तुमको दिखाएगा, इसलिए कि बेहद अल्लाह की जाते मामूस अम्बी आलाम ने बाकी ये बैठा हुआ मजमा कोई माई का लाभ इसका दावा नहीं कर सकता, मैंने आज तक कोई गुनाह या कोई बेवसूली नहीं की। तो अल्लाह कह रहा है कुल्लू तुम खत्ता हूँ, तुम सब खताकार हो, तो कौन माई का लाल दावा कर सकता है मैंने कोई गलती नहीं की। हज़रत मौलाना सैयद खान साहब रहमतुल्लाह ने फरमाते थे कोई मुझसे अगर मुसाफा भी करता तो मैं अपने दिल से कहता कि सही ये मुसाफा तेरे से नहीं हो रहा तबलीग से हो रहा है, और इसलिए हो रहा है मुसाफा मेरे से तुमसे इसलिए कि लोग मेरे को तुमको जानते नहीं मैं कैसा हूँ, और जिस दिन ये जान जाएंगे ना कोई करीब भी नहीं फड़केगा मेरे तुम्हारे ये कैसा है। इसलिए अल्लाह ने क्या किया है पर्दा डाल के रखा है, अल्लाह के सिफत सत्तारी आयबों को छुपाना, उसने हमारे तुम्हारे गलतियों को कोताहियों को लग्जिशों को छुपा कर रखा है, अब हमारे जिम्मे हम भी अपने अमले की अपने साथियों की गलती को निभाए दे करके। अल्लाह ने कहा इनको निभाओ, उन्होंने मुनाफिक इनको निभाया यानी दुश्मन को निभाया, ऐसे ऐसे साथी खुदरे फसलास्तम के जिन्होंने आपकी पाक बीवी पर तोहमत लगाई, आपका बायकाट किया, आपके कत्ल के मंसूबे बनाए, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने कहा ना इनको निभाओ, तो अल्लाह ने मुनाफिक को अल्लाह के नबी ने मुनाफिक इनको भी निभाया यानी दुश्मनों को निभाया यानी दुश्मनों को अल्लाह ने कहा इनको निभाओ निभाया। आज हम अपने साथी को नहीं निभाते, उसको बायकाट कर देते, इसके मशवरे में नहीं आना, हम इसकी बात नहीं तय करेंगे, इसने दिखा जो मेरे बुजुर्ग को तबलीग किया, मेरे तुम्हारे घर की ठेकेदारी इजारादारी की इसको हटाए, इसको लाओ, इसको निकालो, इसको भगाओ। आज हमारा ये हाल है साहबा, वो मामला जो मुनाफिकीन के साथ नहीं करते थे आज हम अपने साथियों के साथ वो मामला करते, हमें तो हमले को निभाना है, हमला गलती करेगा जैसे भी अर्जी के नबे तो सिर्फ बता जाते मासूम अब भी है ये बैठा हुआ मजमा मैं क्या और आपके को दावा नहीं कर सकते, हमने कुछ नहीं किया करके, कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की, और फिर अपने पास तो ऐसे ही हमला आएगा, कोई शराब के अड्डे से आया, कोई जुए के अड्डे से, कोई जिना के अड्डे से उठ के आया, अपने को तो इसी को लेकर चलना है, इसी को निभाना है। आज इनको निभाओगे अल्लाह के आमद में कल मेरे को तुमको निभाएगा, बदल इनको निभाओ तो निभाया, बल्कि साथ ही गलती करेंगे हमारे जिम्मे उनकी गलतियों की अच्छी तावील करें, उनकी गलतियों को खूबी बना, अगर खूबियाँ उनकी गलतियों के सामने होगी ना उनकी कुर्बानियाँ, हाँ बल्कि इनके कुर्बानियों पर निकाला था। ये साथी हमारा जयपुर में ऐसे वक्त में चलता था जब जयपुर में कोई काम नहीं था, मस्जिदों से लोग धक्के मार कर बाहर निकाल देते थे, इसने अपनी हड्डियाँ गलाई है तबलीग के अंदर, इसके ये फिर रहा होता भटक रहा होता अल्लाह के रास्ते में, और इसके घर से जनाजे उठे, ये हमारे इलाके की बुनियादें हैं, जान इनके कुर्बानी है, अगर हमले की कुर्बानी पर निगाह होगी ना फिर वो साथी ने बड़ी सी बड़ी गलती किया होगा तो गलती हल्की मालूम होगी कि नहीं यार ये तो, और अल्लाह ना करे अगर हमने उसकी गलतियों को टारगेट बनाया निशाना बनाया वो साथी की बड़ी से बड़ी कुर्बानी हमारी आंखों से ओझर हो जाएगी और फिर वो साथी हमसे दूर हो जाएगा कट जाएगा। जहाँ साथियों की गलतियाँ फौरन उसकी कुर्बानी पर निकाल डालो कि ये साथी हमारे जयपुर का राजस्थान का जान है,
इसकी कुर्बानी है भाई, हम इसको फरामोश। अब उसने बड़ी से बड़ी गलती किया होगा ना, वो गलती छोटी नहीं की। ये हमको हुक्म दिया गया ना, गलती तो साहबा से भी हुई। देखो दरमियान में एक बात अर्ज करता चलो, साहबा तो साहबा थे, हम तो उनके पैरों की जूतियों के धूल और खाक की भी बराबर नहीं। जिनकी बरात अल्लाह ने दे चुका हो, हम क्या करें। अर्ज ये इसलिए करना है कि अगर गलती हुई साहबा से तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या मामला किया और हम क्या करते, ये अर्ज करना है। हम क्या करते अपने साथियों के साथ। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशवरा हुआ मदीने में, और मशवरा क्या था, हमें मक्के पर हमला करना है। हुजूर का खुफिया मशवरा था, राज था हुजूर का। इस राज को एक साहबी हातिब इब्न अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला, इन्होंने वो राज को हुजूर का फाश कर दिया। क्या किया इन्होंने, एक खत लिखा मक्के वालों को, यह एक मशवरा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े लश्कर के साथ, एक बड़ी जमात के साथ मक्का पर हमला आवर हो गए, तुम्हारी बोटियाँ बनेंगी और तुमको उमड़ते हुए बहते हुए सैलाब की तरह बहाकर ले जाया जाएगा। खत लिख कर मक्के वालों को भेजा, जबकि भूल कर आज नहीं। एक औरत को तैयार किया हमने हाथी में, क्या ये खत ले जाकर उसको देख कर रखो मक्के वालों को। ये अल्लाह की बंदी उस खत को लेकर चली, चंद कदम के रास्ते पर पहुंची, इधर अल्लाह ने वही भेजी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाकिम का खत है, उसका ये मजमून है, फला औरत फला मकाम पर है। उस वक्त में हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को, हजरत अली को तलब किया, उनको बुलाया, कहा तुम्हें फला मकाम पर एक औरत मिलेगी, उसके पास ये खत लेकर आओ। ये पहुंचे वहां पर, उस औरत को पकड़ा, अल्लाह की बंदी खत निकाल, तेरे पास जो खत है। उसने कहा मेरे पास कोई खत नहीं है, तेरे पास खत निकाल। कहा कह देना मेरे पास कोई खत नहीं। उससे इन्होंने कहा देख उसी की तरह खत दे, वरना हम तेरे कपड़े उतारेंगे, नंगी करेंगे तेरे को, खत निकाल। जैसे उसने ये सुना, उसने अपनी चोटी से वो खत निकाला बालों में से। ये दोनों उस खत को लेकर हुजूर के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने वो खत पढ़ा, कहा हातिब को बुला, हातिब को बुला। हजरत हातिब तशरीफ लाए, आपने हजरत हातिब से पूछा, हातिब तुमने ये क्या किया, हमारे राज को तुमने फाश कर दिया, ये क्या किया तुमने। हजरत हातिब कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम ना मैं मुनाफिक हूँ ना मेरे को अपने ईमान में कुछ शक है, कुछ तरद्दुद है। ये मैंने इसलिए किया कि वहाँ मक्के में मेरे बाल बच्चे रहते हैं, और ये मक्के वालों पर एहसान मैंने इसलिए किया कि इस एहसान के बदले में वो मेरे बाल बच्चों की निगरानी करेंगे, हिफाजत करेंगे, मेरी और दूसरी कोई गरज नहीं थी। देखो बुजुर्गों, हर इंसान की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, ये इनकी कमजोरी थी, इनके बाल बच्चे। आदित करने लगे अल्लाह के रसूल, मैंने इसलिए एहसान किया मक्के वालों पर ताकि इसके बदले में वो मेरे बाल बच्चों की निगरानी करें, हिफाजत करें। अब वो करीब में थे जलाली बाबा हजरत तुम्हारे फारूक रजी अल्लाह पर निकाली नंगी तलवार, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दो इस मुनाफिक की गर्दन उड़ाऊ में। हमारा मशवरा लिख दिया, हमारे राजपुत ने बात किया, इजाजत दो मैं इस मुनाफिक की गर्दन मारू। क्या कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उमर उमर, अरे तुम हातिब के कत्ल करने की बात करते हो, जानते नहीं, अरे ये बदरी साहबी है बदरी, और तुम्हें पता नहीं अल्लाह ने इन बदरियों के बारे में क्या फरमाया, ए मलु माशी तुम जो चाहे वो करो, अल्लाह तुमको माफ कर चुका है, और हातिब तुम इनको कत्ल की बात करते हो। ये साथी गलती करे ना, इनके कुर्बानी को याद करो, ये हातिब अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, और तुम कहते कि मैं इसको कत्ल करूँ, मेरे को इजाजत दो, बल्कि गलती करे ना साथी, उसकी खूबी तलाश करो। अरे गंदगी तलाश करना, ये तो खिंजीर की आदत है, सुअर की फूक और बाग और हरियाली में उसको डालोगे तो वो पाखाना तलाश करेगा, मेरे मतलब की चीज मेरे को काम ही। हमारा काम खूबियों का लेन देन, हम अमले में साथियों में खूबियों को तलाश करें, हर एक में खूबी है, सिफात और खूबियां ना होती, आप यकीन मानो नबियों वाला काम कभी अल्लाह इस उम्मत के हवाले नहीं करते। सिफाते तभी तो अल्लाह ने काम दिया उम्मत को। हम तो खूबी को तलाश करिए, काम खूबियों का लेन देन है। एक जनाजा लाया गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। आपने फरमा रखा था जब भी कोई जनाजा है मुझे खबर करना, मैं उसके जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। आपको खबर की गई, आप निकले जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए। हजरत उमर ने दरमियान में आके रोक दिया, यार रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप उस आदमी की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई। जमाने का बदनाम आदमी बहुत बुरा, इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं, ब्लैकलिस्टेड है। आप जैसी शख्सियत जाकर इसके जनाजे की नमाज पढ़ाई अच्छा नहीं लगता, अपना जाए कोई और पढ़ा देगा। रोका बाकायदा तो मदद अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक को नमाज जनाजा पढ़ाने से। आप रुक गए, मजबे पर निकाह डाली और पूछा, अरे भाई इस मरने वाले को कभी किसी ने कोई नेकी करते हुए देखा है क्या? देखो बुजुर्गों, जयपुर वालों उधर उसकी बुराई की तस्वीर और अल्लाह के नबी को भी तलाश करें कि इस मरने वाले को कभी किसी ने कोई अच्छा काम नेक काम करते हुए देखा है। सारा मजमे पर सन्नाटा, सब खामोश। एक साहबी खड़े हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसकी एक नेकी जानता हूँ। तुम क्या जानते हो? कहा, एक काफिला है था, जमात थकी मांदी थी सफर की वजह से, ऐसे थक कर चूर हो चुके थे, न इनको अपना होश था न अपने सामान का होश। ये अपने सवारियों से उतर कर सुस्ताने के लिए लेट गए और ऐसे लेटे के खराटे लेने लग गए। थके हुए तो इनको नहीं डलते, न इनको अपना होश था न अपने सामान का होश था। सामान की निगरानी की कुछ तरकीब बनाते, अपने ऊँटों को कोटों से बांधते, अपने जानवरों को ये सामान छोड़कर सो गए गफलत के साथ। और मैं और ये मरने वाला, हम दोनों पूरी रात जागते रहे और जागकर उन सोने वालों की और उनके सामान की चौकीदारियों निगरानी करते थे। इतना सुनना था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से पर बोलो, तुम हटो, बाजू को पीछे हटो, तुम्हें किसी के बारे में कुछ कहने का कोई हक नहीं, तुम पीछे हटो। और आपने आगे बढ़कर उस आदमी के जनाजे की नमाज पढ़ाई। और जब आप नमाज से फारिग हो चुके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मरने वाले की तरफ उंगली का इशारा करके फरमाया, ऐ मरने वाले, लोग तेरे बारे में कुछ क्यों ना कहते हो, लेकिन मैं अल्लाह का नबी कहता हूँ कि तू जन्नती है। एक इंसान की वो आँख जो अल्लाह के दीन की निस्बत पर जागी हो, वो आँख जहन्नम के आग नहीं बन सकती। अब ये तुम्हारा इज्तिमा कर बना का, अरे कितने अल्लाह के बंदे ऐसे हो गए, ना उनका चिल्ला लगाए, ना उनके चार महीने लगे, ना उनके तीन दिन लगे, और पूरी पूरी रात को चौकीदारी करें। अपने को क्या मालूम बुजुर्गो, अल्लाह के यहाँ किसकी नेकी, कौन सी नेकी उसकी मगफिरत का और उसकी हिदायत का जरिया बनती है, और हम अपने आमाल के भरम में मेरे बुजुर्गो कहीं से कहीं निकल जाए। अपने को क्या पता, अपने को क्या पता कितने अल्लाह के बंदे रात भर चौकीदारी कर रहे हैं। 2 बजे उठे तो भी वही हाल, 3 बजे उठे तो भी वही हाल, पूरा मजमा ये तुम्हारा चौकीदारी का जाग रहा था पूरे रात। अब कौन सी नेकी, जिनसे कोई शराबी पीड़ा हम सब कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, सवाब है इस पर। बदगुमानी क्यों करते हो? अच्छा गुमान तो साथियों की कमजोरी भी आएगा तो उनकी खूबी तलाश करो। ये नहीं कि हम उसके चर्चे शुरू करते हैं, हम उसके चर्चे बल्कि उसकी उसकी गलती की अच्छी तारीफ करें। एक चोर पकड़ के लाया था हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की अदालत में, ऊँट चुरा रखा था उसने, लोगों ने उसको रंगे हाथों पकड़ा, राइट हैंड बंद कर रंगे हाथों पकड़ा जानवर चोरी का। साथ में हज़रत अली की अदालत में उसको पेश किया रज़ियल्लाहु ताला, ऊँट चुराया हुआ साथ में। अली ने उससे पूछा, उससे कहा, अल्लाह के बंदे ऊँट तो सब एक ही तरह के होते हैं ना, तुमने अपना समझ कर इसको खोला होगा, तुम खोल रहे होंगे, लोगों ने तुमको तोड़ समझ के पकड़ लिया, देखो उसको बचा रहे। वो एक जैसे होते, तुम अपना समझ के खोल रहे होंगे, वो दूसरों का निकला, लोगों तुमको, वो चोर भी धाक घाट था, बहुत पक्का था, मजबूत था, कहने लगा, नहीं अमीर साहब मैंने दूसरे का समझ के खोला। क्या मतलब, मैंने चोरी की, उसने इकरार कर लिया, ठीक है बुलाओ जल्लाद को, इसका हक काटे। वो जल्लाद आया, उसने छुरा तेज करना शुरू किया, इधर तेल गर्म हो रहा है, फिर हाथ कटने के बाद उसके कटे हुए हाथ को तेल में डाले ताकि उसका जख्म उससे जल्दी ठीक होता। अभी तक चूल्हा भी चल रहा है, आग में तेल, आग पर तेल भी कर रहा है, इधर जल्लाद छुरा भी तेज कर रहा है। अली ने उस जल्लाद से कहा, जरा ठहरो अभी मैं वापस आता हूँ। कुछ देर के बाद वापस आए, उससे छोड़, अरे बाबा कहाँ जा रहे तू, कौन है तू, चोर से पूछ, उन्होंने कोई चोरी उड़ी की क्या? उसने कहा, नहीं अमीर साहब मैंने तो कोई चोर, यहाँ कहीं तो आया तू, चोरी नहीं, जा यहाँ से, छोड़ दे उसको। लोगों ने कहा, अमीर साहब चोर पकड़ के लाया गया, उसने इकरार किया, आपने हाथ काटने का बोला, आपने छोड़ दिया। कहाँ, उसने इकरार किया तो उसको पकड़ा था मैंने, उसने इनकार किया तो उसको छोड़ दिया। हमारे यहाँ तो मामला ऐसा है, कोई साथी की कमजोर गलती आ जाए, हमारा पेट नहीं हल्का होता जब तक उसको अपने व्हाट्सएप की खबर का हिस्सा ना बना ले। और ये ऐसा गुनाह है मेरे बुजुर्गो, देखो हमारे साथियों की जो इज्जत है ना, बैतुल्ला की इज्जत से भी ज्यादा थी।
उन्होंने फरमाया बैतुल्लाह को अल्लाह का घर है, बड़ी ताजी मिलते कोई तेरे को 100 मरतबा तोड़े 100 मरतबा बनाए, इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि एक मुसलमान के आबरू रीति पर फर्क पड़ता है। क्या मतलब कि एक मुसलमान की इज्जत बैतुल्लाह की इज्जत से भी जा, हमें तो रोशनी भी था उसकी साथी के बारे में क्या कह रहे, और यह ऐसा गुना है मेरे बुजुर्ग को साथी की कमजोरी का तस्करा करना, इसको उछालना उसको उछालना, अरे सानी अगर जीना कर देना हो जाए ना इससे जीना, इसका ये बिना इसकी तोबा से तो माफ हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हारा हमारा जो व्हाट्सअप का ग्रुप है ना, ये शेयर करने वाला रिसीव करने वाला, ये तोबा से भी माफ नहीं होता। पर मैं अलगी बतवा शब्द को बिना जीना, ये रिबत क्या जीना से भी ज्यादा बदतर, जीना में तो दो ही लगते हैं ना, और रिबत में तो ये हमारी पूरी मस्जिदवार जमात पूरे व्हाट्सअप का ग्रुप। देख बोले मैं सुनाता तेरे को, देख मैं शेयर करता, हल्का नहीं होता हमारा पेट, खाना हजम नहीं होता। रानी का जीना तोबा से माफ हो जाएगा, लेकिन रिबत करने वाले का और है क्या, किसको कहते रिबत, ये भी तो सुन लो। अम्मा जान माई सिद्दीका ने उन्हों से पूछा, सुना सर रिबत क्या है, आपके फरमाया आयशा किसी के पीठ पीछे तुम कोई ऐसी बात कहो अगर वो सामने होता सुनता तो उसको नागवार गुजर उसको बुरा लगता, फरमा ये रिबत। वो भी हकीम और उम्मा थी, खामोश नहीं थी, फिर सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जिसका तस्किरा कर रहे वो बिल्कुल पक्की ठंडी हड्डी की बात है, झूठ नहीं है, वरन नहीं है जो हम कह रहे। फिर आपने फरमाया यही तो रिबत है, और अगर उसमें वो बात नहीं है जिसका हम तस्किरा कर रहे तब तो तोहमत लगाई तुमने, हमने बहुतान बाना, कल क़यामत में अल्लाह के विटनेस गवाह पेश करना पड़ेगा। इसलिए हमारा साथी बड़ा कीमती है मेरे बुजुर्ग, इसको निभाओ, इसको लेकर चलो, इसकी गलतियों को दरगुजर करो, इसकी गलती की अच्छी ताबीर। बोले हम इसलाह कर रहे, अरे मैं और आप कौन होते हैं इसलाह करने वाले, क्या हक है मेरे को तुमको इसलाह का, मुसलह काम है, अमले को साथियों को काम पर लगाओ, काम साथियों की मेरी तुम्हारी इसलाह करेगा, और अगर मैं और आप किसी की इसलाह करने जाओगे याद रखना जयपुर वालों दावत का काम तबली का काम महाभारत की जंग बन जाएगा, ये इसकी रात पर हमला करेगा, वो उसके बारे में कहेगा, वो कहा तुम कौन से दूध के धुरे, वो कहा तुम्हारा मामला ऐसा था कि तुम्हारे घर की माँ तो तुम्हारी बेटी है जब तुम्हारी, काम तो एक तरफ ले जाएगा, साथियों के जातों पर हमले होंगे, हम तो हमले को काम पर डालें, हमें कोई हक नहीं किसी की इसलाह का, उसके काम काम इसलाह करेगा, इसलाह करने वाली जात अल्लाह की, अभी हमारे अंदर वो ताकत पैदा नहीं हुई किसी की इसलाह की। हाँ हमले को अलबत्ता काम पर डालो, ये दावत के आमाल, ये हमारे दावत जो है ना, ये हमारे इसलाह है, हमारे तस्किया यही है, हमारे तरबियत यही है, हमारे नबूवत यही है, दावत के आमाल हमारे हिदायत है, ये हमारे नबूवत है। जब नबी हमारे काम से मेरा तुम्हारा तस्किया ना हो, तरबियत ना हो, तरक्की ना हो, हिदायत ना मिले, क्या बाकी रह जाता है, ये हमारे दावत है, हमारी तरबियत के असबाब है, इस पर इसको डालो। हम इसलाह के चक्कर में पड़ जाते, क्या हाथ हमें इसलाह का, और ये तरीका है नहीं इसलाह का, अब तुम रजी अल्लाह तआला की आदत से रात को गश किया करते थे, देखते थे क्या हाल है रियाया का, पब्लिक का, गश करते हुए एक घर के मकान के करीब से गुजरे तो वहां से गाने की आवाज आ रही थी आधी रात में। अब वो जो दरवाजे की चीर होती है ना उसमें से जो झांका तो एक बड़े मियाँ है शराब भी पी रहे और बांधी उनको गाना सुना रही है हजरत असलम के साथ में, असलम जरा यहाँ ठहरो मैं भी आता हूँ, और दरवाजे पे दस्तक नहीं दी पीछे के हिस्से लगे मकान के और दीवार फार कर अंदर दाखिल हो गए और रंगे हाथों बड़े मियाँ को शराब पीते हुए पकड़ा, का बड़े मियाँ इस उम्र में शराब और शबाब शर्म नहीं आती तुमको, शराब भी पी और बांदी का गाना भी सुन रहे। बड़े मियाँ ने कहा अमीर साहब मैंने तो ये गलती की, आपने तो कई गलतियाँ की, अमीर साहब के पैरों के नीचे की जमीन निकल रही है, सुन रहा मैंने गलती की, मैंने क्या गलती, काला कह रहा है दरवाजे से दाखिल हो तुम दीवार फान कह रहे ये तुम्हारी पहली गलती है, ये तुम्हारी पहली गलती है, अल्लाह ने कहा सलाम करके दाखिल हो, इजाजत लेकर दाखिल हो, तो बगैर सलाम के बगैर इजाजत के दाखिल हो तुम्हारी दूसरी गलती, अल्लाह ने कहा वाला तजस्सुस हो किसी की जासूसी मत करो, मैं अपनी घर की चार दीवारी में कर रहा था तुमको क्या हक था मेरी जासूसी का, चीख निकल गई ये सुनकर रहता तो मर्जी, और अपना जो रुमाल था ना उसको मुंह में ठोसा, मेरी आवाज असलम न सुन ले, और बाहर निकल के कहा असलम यहाँ कुछ नहीं, चलो निकलो यहाँ कुछ नहीं बने यहाँ, ये बात आई गई खत्म हो गई। लेकिन वो बड़े मियाँ ने हजरत उमर की मस्जिद में आना छोड़ दिया, इसलिए मालूम है कोड़े बरसेंगे कोड़े लगेंगे,
शराबी पकड़े गए ना, उन्होंने आना छोड़ दिया, ये सब चुपता होगा। एक लंबे वक्त तक हजरत उमर की वो मजलिस में नहीं आए। एक दिन हजरत उमर की मजलिस चल रही है, वो बड़े मियां पीछे से दबे पांव आए और आकर पीछे बैठ गए। हजरत उमर की निगाह पड़ गई, वो बड़े मियां पास बैठे, ओ बड़े मियां इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अब समझ गए अपना अगला पिछला हिसाब चुपता होगा। कहा और करीब आओ और करीब आओ, उनको बिल्कुल हमने करीब ले ली। अब ये अपना कान मेरे मुँह के करीब लेकर आओ। वो बड़े मियां कांपते हाँपते हुए अपना कान हजरत उमर के मुँह के करीब ले गए। तभी वे आवाज में कहा उस बड़े मियाँ से पूरे से हजरत उमर ने, कि अल्लाह की कसम वो जो रात का मामला हुआ था जो मैंने देखा था मैंने किसी को नहीं बताया। अब इसको भी हिम्मत आई बड़े मियाँ को, कामिर साहब तुम अपना कान मेरे करीब लेकर और करीब और करीब। हजरत उमर ने अपना कान उस बड़े मियाँ के मुँह के करीब लेके गया। तो बड़े मियाँ ने कहा आमिर साहब अल्लाह की कसम उस दिन के बाद से आज तक मैंने शराब नहीं पी और मैंने कसम खाई अब जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। ये इस्लाह का तरीका है, हम इस्लाह के चक्कर में साथियों को नंगा कर देंगे। रस्ते ऐसा क्या व्हाट्सएप की खबर है, यूट्यूब की खबर है, हमको क्या हक है, हमें हक क्या है किसी के इज्जत को उछालने का। आज इनकर इनके इनके उंगलियों पर भी अर्जी थे ना पर्दा डालोगे क्यामत में, अल्लाह मेरी तुम्हारी कमजोरियों को छुपाएगा। और अर्जी थे ना बे अल्लाह के साथ मासूम अंबिया, बाकी हमें तो कोई दावा नहीं था, तो अल्लाह के ऐसा नहीं छुपाए हैं, उसने हमारी कमजोरियों को अगर ये खोलेगा ना, हमारा अपना बेटा हमारे साथ एक खाली में बैठकर खाना पसंद नहीं करेंगे कि यार मेरा बाप ऐसी थर्ड क्लास कैटेगरी का आदमी, इसने जिंदगी में ऐसी ऐसी हरकतें की, ये उसका एहसान उसका करम है उस रब का, उसने हमारी कमजोरी को छुपाया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी हम अपने अपने की शादी को कमजोरी को छुपाएं। अल्लाह ने कहा इनको निभाओ, इनको लेकर चलो, गलती करती है तो इन पर पर्दा डालो, माफ करो, इनको माफ करो। तो बड़ी बड़ी गलती करने वाले को अल्लाह के नबी ने माफ किया, बदला नहीं दिया। वहशी हजरत हमजा का कातिल क्या हाल किया इसने, हजरत हमजा के नाक काटी गई, कान काटे गए, आंखें निकाल दी गई, सीना चीर कर कलेजा निकाल कर टुकड़े टुकड़े करके हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला की लाश पर थूका गया। उतरे फैसला हम तो बेकाबू हो गए, जारो कतार रोना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने अपने चचा की लाश को देखकर जबान मुबारक से निकल पड़ा, हाय मेरा चचा हमजा, हर एक की लाश पर कोई ना कोई रोने वाला बैठा है, मेरा चचा इसकी लाश पर तो कोई रोने वाला भी नहीं। हजरत सफिया पहुंची, हुजूर की फूफी, मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ, तो कफन की चादरें लेकर आई। उसने रोका भी नहीं, नहीं औरत जाते सबर का दामन हाथ से छूट जाएगा, इसको मना करो। हजरत सफिया रुक गई और कहा कह दो उतरे पाठला स्तंभ से सफिया अपने भाई की लाश पर मातम करने के लिए आई। सफिया तो फख्र के लिए आई कि अल्लाह ने मेरे भाई को अपने दीन के लिए कबूल किया, कहा ये बात ठीक है इजाजत दो। हजरत सफिया पहुंचती अपने भाई को देखती, हजरत हमजा की लाशों के टुकड़े पड़े हुए, इन्ना लिल्लाह पड़ा। चाह अपने भाई को कफन के लिए कपड़ा पेश करे, एक साहब और इसी नौयत के उनका भी तकरीबन ही हाल था, वो भी पड़े हुए थे, एक कपड़ा बड़ा था एक कपड़ा छोटा था। अब क्या करें, कुरा दादा गया अदा कर करना, ऐसा कपड़ा हजरत हमजा के हिस्से में आया, अगर हमजा का सर को छुपाया जाता कि आंख निकली हुई है टुकड़े टुकड़े ये लाशों के, चेहरा बिगड़ा हुआ है, अवसर छुपाते तो पैर खुल जाते और पैरों पर ढाके जाते तो सर खुल जाता। उन्होंने फरमाया सर को छुपा दो पैरों पर पत्ते डालता। एक वक्त आया, बात तो गुजर गई, अब मक्का फतह हुआ और ये जितने चौधरी थे ना उतबा शैबा रबिया अबू जहल अबू रब, ये तो सब गए जहन्नम में, और जो बच गए थे वो मुंह छुपाते फिर रहे थे। इन मुंह छुपाने वालों में ये वाशी हजरत हमजा के कातिल, एक साहब ने इनको पकड़ा हजरत हमजा के कातिल को वाशी को, कहा वाशी जाओ दरबार नबवी में कलमा पढ़ो तुम्हारी जान बख्शी जाएगी। कहा कलमा मेरे लिए माफी की गुंजाइश है, मैंने तो बड़ा कांड किया है, हजरत हमजा हुजूर के चचा का मैं कातिल हूँ और मैं माफ हो सकता हूँ। वो साहबी दौड़े हुए हुजूर की खिदमत में, हाजिर हुए क्या सुल्ला, वाशी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने इन पर इस्लाम पेश किया, वो कहने लगे क्या मेरे लिए भी कोई मफ़िरत की माफ़ी की गुंजाइश है, मैं माफ़ हो सकता हूँ। अल्लाह ने कहा जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाकर वाशी से कहो आदमी अगर तौबा कर ले, ईमान ले आए, अच्छे अमाल कर ले, अदा उसके गुनाहों को नीचे से बदल देगा, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन फौलाइका युबदिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात।
आदमी तौबा कर ले, ईमानदार अच्छे अमल करे, अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ये आकर इनको पैगाम सुनाया, अल्लाह के नबी का फरमान सुनाया। वाशी कहने लगे, ये तो यार बड़ी कड़ी शर्त है, तौबा भी करो, ईमान भी लाओ, अमल साथ है, और इसके बावजूद भी अगर अल्लाह ने मेरे को माफ नहीं किया तो मेरा क्या होगा। ये दोबारा हुज़ूर की खिदमत में रसूल अल्लाह वाशी तो करें, जाओ वाशी से कहो, इन अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करें, हाँ उसके अलावा जिसको चाहेगा उसको माफ़ कर देगा। वाशी सुनकर कहने लगे, जिसको चाहेगा उसको मेरे को नहीं चाहता, मैंने तो बड़ा कांड किया, मेरे को कैसे माफ़ करेगा। फिर ये हुज़ूर के पास वाशी, अगर वाशी से कहो, काहे को तो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। वाशी सुनकर कहने लगे, हाँ ये बात तो समझने वाली है, ना उम्मीद तो नहीं होना चाहिए। अब आइए दरबारे नबी, छुपते छुपाते मुँह को छुपा लिया ताकि मेरे को कोई पहचान, इसलिए आम ऐलान था, जहाँ ये मिले ना चाहे काबे के पर्दे से चिमटे हुए इनकी गर्दन उड़ा। अब पूरे अपने आँखों का कपड़े में चादर में लिपट लिया, आँख खुली हुई दरबारे नबी में हाजिर हुए। अंदाज था, उस चलने के अंदाज पर से लोगों ने पहचाना है, यार ये तो वाशी नजर आता है, हज़रत हमज़ा का कातिल। वो एक साहब ने निकाली दरबार, या रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम वाकई इजाज़त दो इसकी गर्दन मारो। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, ठहरो ठहरो, आने दो आने दो। एक आदमी का ईमान में दाखिल होना हज़ार बेईमानों के कत्ल किए जाने से बेहतर है, आने दो इसको। वो वाशी करीब पहुँचे, उतरे पास रास्ते की और पहुँचते बुलंद आवाज से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुक। इतना सुनना था अल्लाह के नबी के सारे देवर बदल गए। सुनते कहा, आओ आओ वाशी, वाशी आओ बैठो बैठो, क्या कहने वाशी तुम्हारे कलमा पढ़ लिया तुमने। अरे वाशी तुम तो गुनाहों से ऐसे पाक हो गए जैसे आज ही तुम अपने माँ के पेट, अपने साथ क्या हुआ, अपने रिश्तेदारों के साथ क्या, इसका कहीं कोई तस्किरा नहीं। दाई जो होता है ना उसका दिल समंदर की तरह होता है, और समंदर की खासियत की सारी दुनिया की गंदगी समंदर में मुंतकिल होती है, समंदर सबको समा देता है लेकिन शिकायत नहीं करता, सड़ता नहीं, बदबू नहीं आती उसमें से, शिकायत नहीं करता, वो मैला नहीं होता, वो चूके तो बाकी रहता है, काम करने वाले का सीना ऐसा होता है। अपने साथ क्या हुआ, अपने चचा के साथ क्या हुआ, इसका कहीं गुंदस्तर बस कवाशी कलमा पढ़ लिया तुमने, ये तो कुफरे की गंदगी को ऐसे धो देता है जैसे तुमने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं, आज ही अपनी माँ की। आओ आओ बैठो। हजरत वाशी रजी अल्लाह तआला बैठ गए, बैठ कर चेहरे से कपड़ा निकाला और निगाह मुबारक अल्लाह के नबी की वाशी के चेहरे पर पड़ी, रजी अल्लाह पर अब निगाह पढ़ना था, वो सारा पिछला मंजर याद आ गया हुज़ूर का, इसने मेरी चचा की जनाज लाश को भी नहीं छोड़ा, अब वो सारा मंजर हुज़ूर की निगाहों के सामने। आपने वाशी से फरमाया, वाशी कलमा तो तुमने पढ़ लिया लेकिन मुझे ये बताओ तुमने मेरे बहादुर चचा को कैसे शहीद किया। मेरा चचा तो बहुत बड़ा बहादुर था, हज़रत हमज़ा के बारे में आता है, जिस तरफ बढ़ते सफ़ों की सफ़ों को पछाड़ देते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, असदुल्लाह व असदु रसूली, हमज़ा अल्लाह का शेर अल्लाह के नबी का शेर। आपने पूछा तुमने मेरे शेर को कैसे शहीद किया। वाशी कहने लगे, या रसूलुल्लाह ये हिंदा ने मेरे को काम को लगाया, इसने मेरे को लालच दी कि तुम हज़रत हमज़ा को अगर शहीद करके कत्ल करके इनाम दोगे तुमको, गुलाम बनकर जी रहे हो, आज़ादी दिलाऊंगी मैं इनाम की लालच में, अपने आज़ादी के वादे की लालच में हज़रत हमज़ा की तलाश में। और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक मौके पर मौका पाकर इस तरतीब पर मैंने उनको अपना नीज़ा मारा कि मेरा वो नीज़ा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला की पीठ को चीरता हुआ नाफ़ के रास्ते से बाहर निकल गया। फिर क्या था, हज़रत हमज़ा बेकाबू होकर ज़मीन पर गिर पड़े। कहा, या रसूलुल्लाह इस तरह मैंने इन पर काबू पाया। मेरे बुजुर्ग जयपुर वालों, हज़ारों कतार अल्लाह के नबी के आंसू से आंसू बह रहे थे। आपने पता, वाशी वाशी एक एहसान और कर दो मुझ पर, कलमा तो पढ़ लिया, अब एक एहसान और कर दो पर मैं वाशी आऊँगा, फिर कभी तुम मेरे सामने ना आया करो, जब भी तुम मेरे सामने आओगे मुझको अपनी चचा की शहादत का मंजर याद आ जाएगा, और मैं नहीं चाहता मेरे दिल में किसी मौके पर तुम्हारे बारे में कोई बुराई पैदा हो जाए, इसलिए कि जिस दिन मेरे दिल में तुम्हारी बुराई पैदा हो गई, ये मेरे दिल में तुम्हारी बुराई का पैदा हो जाना तुम्हारी आखिरत को तबाह और बर्बाद करके छोड़ेगा। कैसे कैसे साथियों को निभाया, हम अपने साथी को नहीं निभा सकते मेरे बुजुर्गों। इकरामा कौन है ये, अबू जहल के बेटे, कौन अबू जहल, एड़ी चोटी का जोर लगा उसने दीन को मिटाने के लिए, एड़ी चोटी का, मक्का जब फतह हुआ ये तो चला गया जहन्नम में, इनके बेटे इकरामा मक्का छोड़ के भाग गए, इनकी बीवी इस्लाम ला चुकी थी, दरबारे नबी में हाजिर, या रसूलल्लाह मेरे शोहर को अमन दो, का जा तेरे शोहर को हमने अमन दी का सबूत दो, अल्लाह के नबी ने अपना अमामा साफा उतार कर दिया, ले ये दलील सबूत है, हमने तेरे शोर का अमन दिया।
ये अल्लाह की बंदी पहली रास्ते से यमन पहुंची, छोकर को अपने जाकर पकड़ा, उसका जहन बनाया, उसको अपने साथ दरबारे नबी में लेकर हाजिर हुई। आपको पता चला इकराम आ रहे, अपने अपने काम करने वाले अम्बे को जमा किया साथियों को, काजी को इकराम आ रहे, हुजूर फरमा रहे साथियों इकरमा, और फरमाए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इकरमा के सामने इनके बाप का तस्करा बुराई से ना करना। क्या मतलब इनके बाप की बुराई नहीं करना, कि तुम्हारे बाप ने ऐसे ऐसे गोली खिलाए, हमको इतनी तकलीफ पहुँचाई, तुम अभी आए कलमा पढ़ने के लिए, सब तुम्हारे हाथ से निकल जाने के बाद, खबरदार मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इकरमा के सामने इनके बाप का बुराई से तस्करा ना करना। वो मरने वाला तो गया जहन्नम में, लेकिन दिल तो इकरमा का दुखेगा ना कि मेरे बाप को ये लोग बुरा बना कह रहे। और जब हजरत इकरमा दरबारे नबी में हाजिर हुए, आप खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए, अल्लाह के नबी खड़े हो गए, अपनी चादर मुबारक को उतार कर जमीन पर बिछाया, आओ आओ आओ, अपने सीने से लगा इकरमा को, कहा इकरमा बैठो इस चादर पर बैठा। मैंने आपसे अर्ज किया ना उम्मत सुलू के रानी से करी भाई, सुलूक अच्छा हो साथियों के साथ, अमले के साथ, ओझ बनाए बड़ाई ना आए, मैपने की बीमारी बड़ेपन की बीमारी ना आए हमारे तुम्हारे अंदर। जैसे अर्ज किया ना दुनिया के काम है वो बड़ा बनकर करने के होते हैं, चेयरमैन साहब, डायरेक्टर साहब, सदर साहब, सरपंच साहब, ये अल्लाह के दिन का काम, ये तो आदमी अपने को बेहैसियत और बेवजह बनाकर करने का काम है। तो अल्लाह ने कहा अपने साथियों को निभाओ, हुजूर ने निभाया, मुनाफिकीन को निभाया, कसीफ निभाने से काम नहीं चलेगा, इनकी गलतियों को माफ करो, फाफ करो, तो बड़ी बड़ी गलतियां की ना उनको माफ किया, किसी से बदला नहीं दिया। फिर कहा सिर्फ माफ करने से ही काम नहीं चलेगा, इनकी गलतियों की अब हमसे माफी मांगो। गलती साथियों ने की, अल्लाह नबी से कह रहा तुम माफी मांगो, ये जितना बैठा हुआ इतना बड़ा तुम्हारा जयपुर का मजमा, अपने दिल पर हाथ रखे बदला, कभी मांगा हमने अपने साथियों के लिए, अल्लाह ये हमारा साथी हमारे इलाके में ऐसे वक्त में काम करता था, काम का कोई इस्तेमाल नहीं था, और ये हालात में चला है, ये अल्लाह के रास्ते में चल रहा होता और इसके घर से इसके घर वालों के जनाजे उठते, हड्डियां गलाई इसने, लेकिन आज ये हालात के अंदर जकड़ चुका है, कभी मांगा हमने अपने साथियों के लिए। और वहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना मांगा कि अल्लाह को ये कहना पड़ा, ओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो इतनी माफी मांग रहे हैं ना, एक मरतबा नहीं 70 मरतबे आप इनकी हमसे माफी मांगोगे तो हम आपकी माफी नहीं कबूल करेंगे। क्यों नहीं कबूल करेंगे? जिसकी आप हमसे माफी मांग रहे हैं वो तो मुनाफी की कहां माफी है? तो जैसे भी आपसे देखिए, काम करने वाले का सीना समंदर होता है, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे, अगर मेरा 70 मरतबा से ज्यादा माफी मांगने पर अल्लाह राजी हो जाए तो मैं इससे ज्यादा माफी मांगता, इस तस्तफिलो मिन सबीना मरता। ये है वो सर कलबी, अपने दिल को बड़ा रखा करो मेरे बुजुर्ग, अपना गलता डर भी करेगा, लेकिन उनकी गलतियों पर उनका बायकाट नहीं है हमारे यहाँ पर, बल्कि अगर गलती आ जाए ना ऐसा रवैया इख्तियार करो, इसकी गलती का मेरे को पता ही नहीं, ये नहीं कि हाँ बाजू की आदत होती है अपने पीए से, अपने अमीर साहब से अपना पर्सनल ताल्लुक बनाने के लिए वो साथियों की गलतियों को लाकर अमीर साहब को सुनाते, उसने ऐसा किया, अमीर साहब उसने आपके बारे में ऐसा बोला। अब होता ही है बेचारे को शिकायत करने वाले होते वो तो जिम्मेदारों से करीब हो जाते हैं, जिनकी शिकायत होती है जिम्मेदारों से दूर हो जाते हैं। नहीं, अगर जोड़ना है ना साथियों को, और वही तो जो शिकायत करे ना उसको बेवजन करो। तुमने जरूरत कैसे की हमारे साथी की ये बात यहाँ तक लाने की? हम तुमसे अच्छा जानते हैं हमारे वो साथ, हमको तो मजे आते साथियों की शिकायत सुनने में, कैसे जरूरत की तुमने? कोई नहीं सकता ये हमारा साथी है, पहले उसको बेवजन बनाओ ताकि आइंदा उसकी जरूरत ना हो ये गंदगी फैलाने की, साथियों की शिकायत लाने की उसको। और जब जिसकी शिकायत आई थी जब वो हमारे सामने आए, ऐसा उसके साथ मुशफिकाना मुरब्बियाना रवैया इख्तियार करो कि जैसे मेरे को तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं, मैं कसम खा करके, तो अगर उसने गलती की होगी ना, नादिम होगा, पशेमान होगा, धीरे दिल में तौबा करेगा कि अमीर साहब ने इतनी बड़ी गलती किया, मैंने मेरे को उफ भी नहीं किया बल्कि मेरे को और करीब। ये है मेरे बुजुर्ग को जोड़ के असबाब, और जोड़ असल है, तुम कितने लाख का इज्तिमा करो, पूरे करबला को भर डालो, पूरे जयपुर को खाली कर दो, अगर दिल फटे हुए साथियों की आप यकीन मानो, चाहे कितने लाख का इज्तिमा कर लो, कितने हजार जमातें आप निकाल लो, अगर फटे हुए दिल है तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। काम करने वालों की इज्तिमा ये दावत के काम की जान है, जयपुर से जमाते कम निकले ज्यादा निकले किसकी परवाह न करो, आज जमाते नहीं निकली तो कल निकलेगी, आज कामयाब इज्तिमा नहीं हुआ तो कल को होगा, लेकिन अगर दिल फट गए काम गए हाथ से। इज्तिमा ये बहुत बड़ी चीज है, और इसको किसी हाल में कुर्बान होने मत करो। अल्लाह को जोड़ पसंद और जोड़ने वाला पसंद है। हाँ मियाँ बीवी पागल भी हो ना, इनकी जोड़ की बरकत से अल्लाह इनको बच्चा दे देता है, हालांकि दोनों पागल हैं।
तो इज्तिमाइयत दावत के काम की जान है। जिस दिन हमारी इज्तिमाइयत में फर्क आ गया, अब गया काम हाथ से, हमारे मौलाना रहमतुल्लाह अलैह मौलाना यूनुस साहब मिसाल देकर फरमाते थे छन्नी होती ना आटा छानने की, 10-20-50 सुराख उसके बन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी अपना काम करती है, लेकिन जब उसमें दरार पड़ जाती है वो फेंकने के काम की हो जाती है। और ये इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाहु अकबर। क़यामत में अल्लाह ताला की अदालत हुई, एक बंदे को लाया जाएगा और उसके हाथ से जहन्नम के फैसले होंगे। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह महावली है, महावली, जमीन और आसमान की खाली जगह को उसकी नेकियों ने भर दिया है, आमालनामे के तराजू को झुका दिया है इसकी नेकियों ने, इतने हज, इतने उमरे, इतने झंडा भी कराई इसने तबलीग के अंदर, और आपका फैसला इसको जहन्नम में डाला जाए। अल्लाह कहेंगे, मेरे फरिश्तों, इन्नी आलमू माला तालमू, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह कहेंगे, तुमको नहीं पता इसने ऐसी हरकत की, जिसने एक जबान से एक बोल ऐसा बोला, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आपस में टूट गई, अरे इसकी ये, इसका ये गुनाह इसकी सारी नेकियों पर भारी है, डालो उसको जहन्नम में। उसी अदालत में अल्लाह ने दूसरे बंदे को लाएगा और आमाल नामे के अंदर नेकियों का नामो निशान नहीं, उड़ रहा हूँ ना हवा के अंदर नेकियों का पड़ना, और अल्लाह को हुक्म देगा उसके बारे में, फरिश्ते को इसको डालो जन्नत में। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह महापापी, दूर दूर तक आमाल नामे में नेकी का नामो निशान नहीं, आपका फैसला इसको जन्नत में डाला जाए। अल्लाह कहेंगे, मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता तुम नहीं जानते, तुमको नहीं पता एक मौके पर इसने एक बात ऐसी अपनी जुबान से निकाली थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आपस में मुश्तमिल हो गई, जुड़ गई, अरे इसका, इसकी ये नेकी इसके सारे गुनाहों पर भारी डालो उसको जन्नत में। तो अल्लाह को इज्तिमाइयत पसंद है, दिलों का जोड़ बहुत बड़ी चीज़ है, इसको फटने डालते हैं, जितने इज्तिमाइयत होगी उतना काम, और अपने दिलों को अपने अमले अपने साथियों के तालुक से आईने की तरह साफ रखा कर। ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के नबी ने इनका जन्नती होना बतलाया, जन्नती होना। एक साहबी हुजूर की मस्जिद चल रही, गुजर रहे हाथ में जूते और गुजर रहे, और वजू का पानी उनके आगे से टपक रहा है, उन्होंने देखो 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 वो चला जन्नती। तीन मरतबा ऐसा हुआ, एक साहबी उस मस्जिद में थे, ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी इनका सा अमल करके जन्नती बन जाऊँ, ऐसा इनका कौन सा खास अमल है। ये पहुँच गए उनके मकान पर जिनके बारे में हुजूर ने जन्नती होना बतलाया, उनसे झूठ मूठ कह दिया, बाबा मेरे वालिद से मेरे अनबन हो गई, झगड़ा हुआ, मैं अपना घर छोड़कर तुम्हारे आया हूँ। अब साहबा की कुटियों में मेहमान नवाजी, मेहमान बिखरा, उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए, मरहबा मरहबा मेहमान का आना मुबारक मुबारक। अब ये मेज़बान की पूरी निगाह मेहमान पर, मेहमान की पूरी निगाह मेज़बान पर, ये ऐसा क्या करते, 24 घंटे इनके साथ गुजारे, फिर दूसरे 24 घंटे, लेकिन कोई खास अमल इनको नजर नहीं आया जिनकी वजह से इनकी जन्नती होना समझ में आ रही। जब 3 दिन पूरे हो गए, इन्होंने अपना मेहमान होने का वसूल कर लिया, अब उनको पकड़ा मालिक के मकान को, कहा भाई साहब मेरे बाप से मेरा कोई झगड़ा वड़ा नहीं हुआ है, मैं हुजूर की मजलिस में था, आप वहाँ से गुजर रहे थे, आपको देखकर अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी को दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना है तो उसको देख ले, यानी आपको। तो मेरे दिल में ये बात पैदा हुई कि ऐसे कौन सा अमल आप करते कि अल्लाह के नबी ने आपका जन्नती होना बतलाया। वो सुनकर रोने लगे, कहा भाई तुमने तो देखा, मेरे पास कोई खास अमल नहीं है, तुमने तो देखा मेरे 24 घंटे के मामला, यहाँ तक कि सहाबा तहज्जुद पढ़ते थे, लेकिन उस रात में अल्लाह ने उनको तहज्जुद से भी सुला दिया, जो रात सोए हैं तो आँख खोली फजर के अज़ान पर। तो इन्होंने फरमाया मालिक के मकान में, मेरे पास कोई खास अमल नहीं है, हाँ एक बात जरूर है, जब मैं रात सोता हूँ और सुबह उठता हूँ तो मेरा जो दिल है मेरा सीना अपने साथियों के साथ उसके आईने की तरह साफ होता है, मेरे दिल में किसी के बारे में कोई खिचड़ी नहीं पकती, ये ऐसा ये ऐसा ये मेरा दिल साफ होता है साथियों के साथ। और दूसरी बात मेरे अंदर ये है, अल्लाह ने किसी कोई नेमत दी है जिस लाइन की भी हो, मेरे को उससे जलन और हसद नहीं होता, ये इसके पास काई कोई तो मेरे पास होना चाहिए था, ये इसके पास नहीं होना चाहिए, काई कोई इतना बड़ा बन गया है। तो अल्लाह ने किसी को कुछ काम दिया है, कोई नेमत दी है, तो उससे मेरे को जलन और हसद नहीं होता, बस वो समझ गए यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका जन्नत ही होना बताया। तो अपने दिलों को अपने सीनों को भी अपने साथियों के ताल्लुक से आने की तरह साफ रखा था। तो अल्लाह ने कहा और हमारे नबी इनको निभाना भी है, लेकर चलना है, इधर गुजर करना है, गलती करते तो इनको माफ़ करना है, बस तब फिर आगे पढ़ना वशाविर फिलाम। नबी जी अपने को मशवरे का पाबंद बनाए, अपने उमूर में अपने साथियों से मशवरा करें, ये सब इज्तिमाइयत की शक्ल है, मशवरा इज्तिमाइयत का निचोड़ है, इज्तिमाइयत की शक्ल मशवरे से कायम होगी, लेकिन फिर वो मशवरा भी मशवरा हो, वो मशवरा भी मशवरा हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी बहुत खबर लेकर आया।
अमित शाह ऐसी जगह से आया, आपकी भी वहां पहुंच नहीं होगी। एक औरत को देखा, सूरज की पूजा करती है वो। अच्छा, मशुरा चल रहा था, साथियों को पूछा, अरे थोड़ा फैसला दे सकते लेकिन मशुरा किया। जबकि अम्बिया रिश्त उसका वहां को बराह रास्त वही के जरिए सारा निजाम अल्लाह रसूल गनी यानी मशुरा फरमाया। लेकिन उम्मत की तालीम, उम्मत की तरबियत है इसमें कि उम्मत इबादत पर तो जुड़ेगी, नमाज और दावत पर जुड़ेगी, मशवरे पर। इसलिए हमारे साथी अपने को मशवरे से मुस्तगनी ना समझे। अपने हमें क्या जरूरत है, तो कल के आइए तो नए हैं, इनको क्या पता, वो चीज तो काम की हम जानते हैं, इनको क्या मशवरा दें, इनके मशवरे में क्या जाना, ये तो उनके जो समझ में आता वही करते, चार जमा हो जाते और अपना मशवरा कर देते। नहीं मेरे बुजुर्ग, हर एक अपने को मोहताज कर मशवरे का, अपने को पाबंद बना। क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हुजूर खबर लेकर आया, मशवरा किया क्या करना है, तो एक साथी कहने लगा, अमीर साहब आप इजाजत दो, अपना मशवरा खत्म होने से पहले तो जो जिसकी ये खबर लाया है हुजूर, उस बिल्कुल को उसके तख्त के साथ उठा के आपके सामने ला के खड़ा करता हूँ। और दूसरा एक बैठा था किनारे, उसने कहा अमीर साहब पता नहीं तुम्हारा मशवरा कब खत्म हो, आप मेरे को इजाजत दो, आंखों नजर से बोने कितना वक्त लगता, उसके वक्त में ला के किनारे सामने डालता। ये मशवरे के फायदे, अगर साथी से राय दोगे तो साथी अपनी सलाहियत के हवाले कर दोगे। हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तुम साथियों से राय दोगे तो काम कैसे लोगे। ये फायदा है मशवरे का। काबिला था उसके, उधर खत पहुंचा बिल्किस को, उसने कहा मैं उस वक्त तक फैसला नहीं करूंगी जब तक तुम मेरे को मशवरा नहीं दोगे। तुम साथियों से राय दिया करो मशवरे के अंदर। अरे बोले तो उसको अकल है, उनको तमीज है, उनको क्या जानते, उनको नहीं। एक पुराना भी अगर तुमने मशवरे से नजरअंदाज किया, उसका मशवरे में ना होना हमारे मशवरे को कितने में जान देगा। फिर किसी एक कमरे में बैठकर हम चार आठ बैठकर मशवरा ना किया करें। अगर हमने ये अपने मशवरे को महदूद बनाया, मखसूस बनाया, तो अब इस मशवरे से जो फैसले वजूद में आएंगे वो फैसले उम्मत पर बोझ बनेंगे। साथी कहेंगे यार कब से हुआ, कहाँ से हुआ, फैसला कौन था, किसने राय दी, कैसे पे हुआ। साथी अपने सलाहियत को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, पास के यार चुप बैठो ये कह रहे हो गया मशवरा, अब हम कुछ बोलेंगे तो फिर से ना होगा। वो अपनी सलाहियत को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। अगर इज्तिमाइयत चाहते हो तो मशवरे को उम्मीद दो। फिर फर्दन फर्दन ना पूछा करो, मेरा तो अमित साहब से ताल्लुक है, मेरे को पता है मैं मशवरे में ये बात रखूंगा तो मशवरे के अंदर इसका हिंदी का चिंदी होगा, पोस्टमार्टम होगा मेरी राय का, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसे फैसले नहीं होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने अमीर से मेरा ताल्लुक है, अमित साहब जरा ये मसला है थोड़ा साहब इसको याद रखना। वो हमारे साथी जो अपने जिम्मेदार से अपने साथियों को छोड़ कर कोई बात तय करवाते, वो साथी अपने साथियों से खयानत करते, और वो फैसल वो शूरा वो अमीर साहब वो जिम्मेदार जो अपने मशवरे के साथियों को छोड़कर नजरअंदाज करके किसी चीज का फैसला कर देता है, वो साथी वो फैसल वो अमीर वो जिम्मेदार काम के साथ ख्याल करता है। इसने साथियों के साथ ख्याल किया तो इस जिम्मेदार ने सभी ने काम के साथ इज्तिमाई, उसको इज्तिमाई बनाओ। नहीं है मशवरे के साथी मत करो मशवरा, अभी नहीं हो सकता मशवरा। क्यों, कैसे मशवरा करें, हमारे है ही मशवरे के साथी, हम किससे राय लेंगे, किससे मशवरा करेंगे। मुआखर करो मशवरे, अभी नहीं हो सकता, फौरन आपको बैठना है, अभी जवाब देना है, और मशवरे का साथी हमारा नहीं पहुंच सकता, ये हमारा पूरा मशवरे का अमला उठकर उसके पास जाएगा। ठीक है आप नहीं आ सकते, आपके पास वक्त नहीं, आप हमारे आपके पास आपके करीब की मस्जिद में हम पहुंच जाते हैं। ये है, ये नहीं कि छोड़ो यार बोले उनको अकेले के तमीज है कि उनको मशवरे पर उनको राय देना आता है। नहीं मेरे बुजुर्ग को, एक को भी आपने जरूर किया सारा मशवरा कितने में पड़ेगा। और इज्तिमाइयत का सबसे बेहतरीन यही रास्ता है मशवरा, कि अगर इस वक्त नहीं हो सकता है, अव्वल तो अपनी जो उमूर होते हैं उसको मशवरे तक मौखर किया करो कि भाई फर्दर नहीं पूछे के दरमियान में तो हमारा मशवरे का दिन तय, ये चीज़ हम उस मशवरे में जाकर रखेंगे सबके सामने। अगर इज्तिमाइयत चाहते हो हम फर्दर नहीं पूछेंगे, जो मशवरे का दिन तय है, महाना मशवरा, हफ्तेवारी मशवरा, छमाही मशवरा, जो भी आपके यहाँ मशवरे की तय, उसमें अपने उमूर को लाया करो। लेकिन इतना वक्त फैलने की गुंजाइश नहीं है, फौरी तौर पर कोई हमको एक्शन लेना है, अब क्या करें। मशवरे वाले के पास मशवरे के साथी नहीं है पूरे, तो ये मशवरे वाले अगर इस किस्म के उमूर आए, ये जिम्मेदार उन साथियों के पास जाए जो हमारे मशवरे के साथी, वो नहीं आ सकते तो हमारा हमला जाएगा, या मौखर करो मशवरे को, और फौरी तौर पर जवाब देना है तो हमारा हमला जाए वहां पर। अगर आपने इस पर अपने आप को लेकर आए, आइंदा रात को 2 बजे भी आप अपने साथियों को मशवरे से बुलाएंगे, फजर की नमाज दौड़ते हुए आपकी मस्जिद में आते पड़ेगा कि मेरे को अमित साहब ने रात को बुलाया, क्यों, उसे बोले अमित साहब तो मेरे बगैर कोई फैसला ही नहीं करते,
ये है, हम अपने को मुस्तकली ना समझे अपने साथियों से कि हमें क्या जरूरत है, उनको क्या करें, उनको राय देना आता है, चार महीने लगे उनके चिल्ला, मैं क्या इतना शाना होगा कि मेरे बुजुर्ग लोगों की कुर्बानी को नापते हैं, कितने चार महीने लगे, कितना चिल्ला रहा। अरे जब हमारे बड़ों ने एक जिम्मेदार तय कर दिया, अब अपनी अपना तस्किया, अपना आगे बढ़ना, अपनी तरक्की उसकी इताअत उसके मान कर चलने में है। यानी कि बोले हम फैसल को नहीं मानते, हम इनको नहीं मानते, क्या हशर होगा उसका, क्या हाल होगा उसका। तो अपने मशवरे को इज्तिमाई बनाओ, फिर मशवरे में राय देना अपना हक ना समझो। अब तो ये हाल है कि साथी अपना हक समझ कर मशवरे में अपनी रायों पर इसरार करते, और ये इसरार करना मशवरे में अपनी रायों पर इज्तिमाइयत को तोड़ना है, और इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं अल्लाह की इज्तिमाइयत को तोड़ना, इसलिए कि इसका बार बार अपनी राय पर इसरार करना, एक ही बात को घुमा घुमा कर पेश करना, ये किब्र की, तकब्बुर की, बड़ेपन की अलामत है। वो ये चाहते हैं मेरी राय पर तुम फैसला करो। बाकी साथी ऐसे होते हैं, अल्लाह ने उनको एक मलका दिया होता है, आप हमारा अमला है, इसलिए मैं खुलकर आपसे कहता हूं। बहुत ऐसे साथी होते हैं उनके अंदर एक मलका होता है, अपनी बात के रखने का एक ढंग होता है, एक सलीका होता है, एक तरीका होता है, वो ऐसे घुमा फिरा कर जो है अपनी बात को रखते कि फैसल उनके हक में फैसला देने पर तैयार हो जाता है। ऐसे साथियों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, बात साथी मेरे पास आते अपनी चिकनी चोपड़ी बातों से अपने फेवर में, अपने हक में मुझसे फैसला करवा देते, और मैं उनके हक में उन फैसला कर चुका होता हूँ, लेकिन फरमाया वो ये कान खोल कर सुन ले, वो मेरे पास से जहन्नम की आग का एक टुकड़ा लेकर जा रहे हैं। इसलिए हमारे यामला मशवरे में आए ना तो इस रात एक मरतब आप राय दो, खामोश हो जाओ, बार बार दोहराओ मत उसको। बाजू की आदत होती है जब तक अमीर उनके बारे में फैसला कर नहीं देता वो बार बार अपनी राय को दोहराते, ये रायों पर इसरार। अरे एक मरतब हजरत उमर ने अपनी राय पर इसरार किया, एक मरतब, और उनका इसरार भी अपने अपने एतबार से बचा था, इसलिए कि वो जो जमात आई थी कोई लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आई थी, उमड़े के लिए आई थी, एहराम बांधा हुआ उन्होंने, और मक्के वालों ने अल्लाह के नबी की जमात को उमड़े का वीजा नहीं दिया, तीन दिन का वीजा मांगा था, लेकिन मक्के वालों ने वीजा नहीं दिया। अब वापिस जाओ, अरे ऐसी कड़ी कड़ी शर्तें रखी, हमारा आदमी मदीने आएगा आपको लौटाना पड़ेगा, तुम्हारा आदमी आएगा तो हम उसको लौटाएंगे नहीं, अजीब अजीब शर्तें सब हुजूर ने मंजूर कर दी, उमरा नहीं होगा, चलो ठीक है जाएंगे वापस। उन्होंने फैसला किया वापस चलो, हजरत उमर लड़ गए, क्या सुनना लगते लिंगे क्या, इनके दबे हुए क्या, हम काय कौन से दबके सुना करेंगे, उमरा करेंगे हम। आपने कहा नहीं नहीं उमर उमर उमरा नहीं होगा, नहीं नहीं यार सुनना, ये इसरार करने लगे राय पर हुजूर के सामने। लेकिन फरमाते जब मेरे को एहसास हुआ, हालांकि उनका इसरार के भाई मक्का ऐसी जगह है उसके अलावा कहीं और उमरा हो ही नहीं सकता, तवाफ कहाँ करेगा, सही कहाँ करेगा, लेकिन यहाँ मना कर दिया, और हजरत उमर इसरार कर, लेकिन फरमाया जब मेरे को एहसास हुआ, न जाने मैंने कितना इस्तिग़फ़ार किया, कितने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि अल्लाह मेरे उस दिन के गुनाह माफ़ कर दे, मैं मशवरे में क्यों ज़बरदस्ती लड़ रहा था, इसरार क्यों कर रहा था। फरमाते इतना मैंने इस्तिग़फ़ार किया अल्लाह से माफ़ी, इतने सदके लिए कि अल्लाह मेरे उस दिन का गुनाह माफ़ कर दे, मैं क्यों इसरार कर रहा था मशवरे के अंदर। हाँ हमारा साथी मशवरे में इसरार करते फैसला कराने के लिए। फरमाते जब कुरान की आयत उतरने लगी, इसलिए ऐसा माहौल बना था, हुजूर ने फरमाया एहराम खोलो तो कोई एहराम उतारने को तैयार नहीं। हुजूर के चेहरे का रंग बदल गया, आप अपने गुजरे में गए, अम्मा जान माई उम्मे सलमा ने कहा क्या बात है सुनना आपका चेहरा बदला हुआ, क्या सलमा उम्मे सलमा से कहा आपने कि ये मैं कह रहा हूँ साथियों को एहराम उतारो लेकिन को उतारने के, कह रहा सुनना आपके इस वक्त कॉल पर वो अमल नहीं करेंगे, फेल पर अमल करेंगे, जाइए आप उनके बदले में बुलाओ हल्लाक को हजाम को और कहे कि वो मेरा सर मुड़ा दे। आपने ऐसा ही किया, अब जो साहबा के लिए हुजूर पास लाजम की तबा के अलावा क्या बाकी रह जाता था। इस तरह से उनका ये हाल बना, जब हुजूर को देखा आपने हलक किया एहराम की चादर उतारी, तो वो साहबा जब बैठे ना तो मेरे बुजुर्ग को बाल के साथ में खाल निकल रही थी, उनके पूरे सर उनके खून में नहाए गए थे, लेकिन इज्तिमाइयत को और इताअत को हाथ से जाने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी चीज है इज्तिमाइयत, हाँ ये मिलकर बैठना ये इज्तिमाइत नहीं है, हमारे साथियों के दिल आपस में मिले हुए, और इज्तिमाइत आएगी मशवरे के रास्ते पे, हर नया हर पुराना अपने बड़ों के हवाले करते, बड़ों के कि अमीर साहब आपने फैसला किया, अगर वो रात भी और आप दिन कहे तो हम आपको आप हम भी दिन कहेंगे, दिन है और आप कहें ये रात है तो हम रात ही कहेंगे, इतनी इताअत पर आए हमारा ये मजमा। तो मशवरे में इशरार ना किया करो,
राय को बार बार दोहराओ मत, ये इज्तिमाइयत को तोड़ने वाली चीज़ है। और जब इस किस्म के फैसले होते हैं ना इसरार के साथ में, दोस्त ऐसे मशवरे के साथ अल्लाह की मदद ही नहीं आया करते, ये अंडर प्रेशर मशवरा हुआ है। फिर इसको अपना हक ना समझो, ये हमारा हक है। राय ना ली जाए तो साहबा का मामला ये था, अगर इनकी राय पर फैसला नहीं होता तो खुश होते थे, और हमारा मामला हमारी राय पर फैसला तो नाराज होता तो मशवरे में आना ही छोड़ देते। क्या आते तो राय देते, क्या बोले उनको राय देना, वो तो जो करना है वही करते। नहीं, साहबा का मामला ये था, अगर इनके हक में फैसले हो जाते इनकी राय पर हम घबराते थे, परेशान होते थे, फैसला तो हो गया, अब पता नहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज सामने आ जाए जो नामुनासिब हो, वो डरते थे। और हमारा बिल्कुल उसके अपोज मामला, उल्टा मामला। तो नहीं इसरार करना है राय पर, ना हावी होना है मशवरे में, कि अपनी आवाज़ों को भी मशवरे के अंदर हल्की रखा करो। बेचारा जिम्मेदार अमीर फैसल आहिस्ते बात कर रहा और आप चीख रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, मशवरे को मच्छी बाजार बनाकर रख दिया आपने, इससे सारा मशवरे का वकार खत्म हो जाता है। एक मशवरे में हजरत उमर की आवाज़ बड़ी हो गई, हजरत उमर की आवाज़ मशवरे में जरा बुलंद हो गई मौजूद हो। एक मशवरा भी अगर तुम्हारे मशवरे वाले से गए गया, मशवरे का जिम्मेदार नहीं पहुंचा, वो मशवरा उम्मत को फिर जिम्मेदार दे। हजरत सिद्दीक अकबर का जमाना, एक मशवरा चल रहा था, दो साथी खड़े होंगे, कामिर साहब एक जमीन पड़ी हुई अपने करबला के बाजू में, खाली है, किसी के काम की नहीं है, अगर आप हमको दे दो तो हम इस पर मकान बनाकर कुछ खेती वेती करके अपनी जरूरत पूरी करेंगे। अमीर साहब ने क्या किया, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने जितना वो मशवरे में मामला बैठा था उन सबसे राय ली, भाई राय दो क्या किया, सारे मजमे ने कहा अमीर साहब दे दो, खाली पड़ी हुई है, किसी के काम भी तो है नहीं, किसी के दे दो दे दो। अमीर साहब ने यानी हजरत सिद्दीक अकबर ने मशवरा दिया और कहा भाई चलो ठीक है जमीन इनको दे दो। हेलो उस्मान से फरमाया, उस्मान हजरत तलहा से फरमाया, तलहा जमीन के कागजात तैयार करो रजी अल्लाह तआला, और ये दोनों को ले जाओ हजरत उमर के पास। उस मशवरे में हजरत उमर नहीं थे, उस मशवरे में हजरत उमर नहीं थे। मुझे ये अर्ज करना है, ये वाक्य सुनाकर, एक मशवरे का आदमी नहीं है मशवरे में तो सारा मशवरे की जान निकल जाएगी, कितना बढ़ जाएगा उस मशवरे, हजरत उमर नहीं थे। आपने फरमाया तला ये दोनों को ले जाओ, जमीन के कागजात तैयार करो, हजरत उमर से इस पर दस्तखत लो, उनको गवाह बनाओ इस पर कि जमीन हमने इनको दी और तुम इस पर गवाह। अब ये दो हजरत तला पहुंचे वहां पर जमीन के कागजात तैयार करके, का मशवरा हुआ, मशवरे में तय हुआ है ये जमीन इनको दी गई है और आपको गवाह बना के उस पर दस्तखत करें, का कागजात लाओ, कहाँ वो कागजात को पढ़ी, या जमीन का मामला था अपने थूक से उसको मिटाया और वो पूरे पेपर फाड़ दिए उनके सामने, कहा अब इस तरह से किसी को जमीन वमीन नहीं दी जाएगी, तकलीफ में किसी को माल देकर चलाया नहीं जाएगा, जिसको काम करना है अल्लाह के लिए करो, जिसको जाना है नहीं करना है वो घर जाकर बैठो। अब दावत में तकलीफ में किसी को दे लेकर नहीं चलाया जाएगा, जिसको काम करना है अल्लाह के लिए करो, जिसको नहीं करना है घर जाकर बैठो। कहा सुन लो हजरत उमर ने कहा सुन लो, इस मामले में तुम अगर मेरे खिलाफ अल्लाह से मदद मांगोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अभी आए तीनों देश के अंदर फर्क और ऐसा सवाल किया है हजरत सिद्दीक अकबर से जैसे आग पर पेट्रोल डालो। क्या पूछा, काम मेरा है क्या उम्र हो, लेकिन दिल साफ थे साथियों के ताल्लुक से, रायों की कदर थी साथियों की, समझ गए उमर की मंशा नहीं है, ये उमर अपनी जमीन इनको दे। क्या जवाब दिया इनको, कहा आमिर तो उमर है लेकिन तुमको मेरी माननी है, एक तरफ की इमारत दूसरी तरफ की, दोनों तीनों ठंडे हो गए। वो इतने में आए हजरत उमर दंदन आते हुए, अबू बकर ये जमीन तुम्हारी थी जो तुमने इनको दी, किसकी थी ये जमीन, मैं तो कहा आम बैतुल माल की जमीन थी, बस इतना कहा हजरत उमर ने अबू बकर से रजी अल्लाह तआला अन्हु। अबू बकर फिर तुमने मशवरे को उसत क्यों, ये नहीं पूछा मेरे को नहीं पूछा और साथियों से भी राय मिला दी। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा अबू बकर उमर मैं तो पहले से तुमको कहता था इस मकाम से तुम अहद से तुम रहे, तुम सबने मेरे को जबरदस्ती यहाँ पर बिठा दिया, ये सब क्यों हुआ, एक साथी मशवरे में नहीं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ अपने मशवरे को इज्तिमाई बनाओ, अगर इज्तिमाई चाहते हो वो शादी रूम फिलम आगे करना फैजा आसम था फतह कर रहा, अब तुम इस मशवरे से किसी नतीजे पे पहुंचे उस नतीजे को हमारे हवाले करो, नहीं हमने ऐसा किया हमने ऐसा किया हमने ऐसा मशवरा किया हमने यूं तय किया हमने एक नहीं जो किया उसको हमारे हवाले, क्या मतलब काम करने वालों की निगाह अल्लाह की जात पर जमे, आज तक जितना हुआ अल्लाह के करने से हुआ और जो हो रहा है अल्लाह ही के करने से हो रहा है, आइंदा जितना भी होगा अल्लाह ही के करने से होगा, करने वाली जात अल्लाह की, ये बुनियाद है, जरा सा हुनैन के अंदर निगाह हटी अल्लाह की जात से
तो हमारे पास सारो सामान है, मेजोरिटी है, अमला हमारे पास में है, अरे ये क्या है, पानी कम चाय, हम तो इनको पीस देंगे, इनकी हैसियत क्या है। इससे पहले हमारी तादाद थोड़ी थी, हम सैकड़ों हजारों पर भारी हो गए, अब तो हम माशाल्लाह हमारी तादाद है, काम हमारे हाथ में है, हम तो ऐसे निकालना की दाद से हटी, अपने मशवरे अपने प्लानिंग और अपनी स्कीम पर पड़ी। सुन लो मेरे बुजुर्ग जयपुर वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अल्लाह ने अपनी मदद का दरवाज़ा बंद कर दिया, और हम कदम कदम पर अल्लाह की मदद के मोहताज हैं। हमारा कोई काम अल्लाह की मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। जहाँ अल्लाह की मदद रुकी, सहाबा के कदम उखड़ गए। उन्होंने पास कासम को बीच मझधार में बेयारो मददगार छोड़कर सहाबा भाग गए, तितर बितर हो गई पूरी जमात। अब इनके समझ में आया हमारी स्कीम, हमारी प्लानिंग और हमारे मशवरे से कुछ नहीं होता, करने वाली ज़ात अल्लाह की। उन्होंने ललकारा सहाबा को, अब इनकी समझ में आया अल्लाह ने और रोकी हुई मदद को दोबारा। तो पता क्या चला, जितना हुआ अल्लाह के करने से हुआ, जो हो रहा है अल्लाह के करने से होगा, और आइंदा जितना भी होने वाला अल्लाह के करने वाली ज़ात, अल्लाह की काम करने वालों की निगाह अल्लाह की ज़ात पर चली। इसी के साथ साथ मेरे बुजुर्गों, काम करने वाले के मामला जो है ना, वो आईने की तरह साफ सुथरे हो, वरना हमारी इबादत अर्श पर पहुंच जाए। हत्या करा दी हमने तबलीग में, लेकिन लेन देन में कपड़ेबाजी है, मामला खराब है, माशरत में गंदगी, अखलाक बिगड़े हुए, अल्लाह की मदद का तो तसव्वुर भी नहीं कि अल्लाह की मदद आएगी। बकौल हमारे हजरत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह, हजरत फरमाते थे, ये अपने को एक तबलीग ने टोपी पहना, ये टोपी पहनकर लोगों को टोपियाँ नहीं पहनानी है, क्या मतलब लोगों को धोखा नहीं देना है। काम करने वाला तो अपने लेन देन को ऐसे आईने की तरह साफ रखे। कोई माई करार क्या जयपुर में दावा करे, क्या बड़े बड़े वादो तकरीर बयान करते हो, तुमने हमारी जमीन दबाई है, हमारा मकान हड़प किया है, तुमने हमारे खिलाफ कोर्ट में छोटा मुकदमा दायर किया, तुम्हारा तुमने हमारे किसी माई के नाम की क्या मजा, मेरे बुजुर्ग को हमारे साथी पर 10 पैसे का दावा लगाया। हमारे मामला बिल्कुल साफ सुथरे, जो धोखा खा जाते हैं माशाल्लाह, क्या बयान इनका, क्या क्या छुपा इनका, क्या खुपा इनका, क्या साफा और क्या मामा, और ये इनके मामला देखे तो गंदे हो चुके हैं। हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारी इबादतें अर्श तक पहुँच जाए, अल्लाह की मदद नहीं आएंगी अगर मामला बिगड़े हुए, माशरत गंदी और अखलाक के अंदर गिरावट है। हजरत फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह, इस काम की हिफाजत तुम ऐसी करो जैसे शरीफ बाप अपनी गैर शादीशुदा लड़की की इज्जत की हिफाजत करता, इससे भी ज़्यादा काम की हिफाजत करो कि कोई हमारे अमले पर दावा करे, क्या बड़ी बड़ी बातें करे, वो जो मकान हमारे जमीन दबा रखी है, हमारे मकान के खिलाफ कोर्ट में तुमने झूठा मुकदमा दायर किया, उसका क्या, 10 पैसे किसी के दबाए हैं ना, आज दुनिया में 700 मकबूल नेकियां वहां देनी पड़ेंगी, एक नेकी का ठिकाना नहीं, 700 कहां से लाएंगे। एक बारिश किसी की जमीन हमने दबाई है ना, कल क्यामत में 700 जमीन और आसमान का कौम बनाकर अल्लाह गले में डालेगा, जो देखेगा कहेगा इसने कोई बड़ा कांड किया, ये तो वहां पापी नजर आता है जो अल्लाह ने इसको इतनी बड़ी सजा दी। हम अपने मामले को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, तो साथी शिकायत करे तुम्हारा साथी, साथी ए बाबा सीधा बोलना, क्या साथी साथी का, वो रोते हुए आया, क्या कह रहा था, कहा मालिक के मकान ने नोटिस भेजी है, 6 महीने में कहा कि घर खाली करके दे दिया। अब बोले बताओ कहाँ जाऊँ मैं, घर में मेरी जवान बच्चिया है, मेरी जवान बहने हैं, बूढ़े माँ बाप है। उसने कहा बाबा काहे को तू फिक्र करा, मेरा फला जगह पर वो चौपाट पर वहाँ मेरा एक फ्लैट खाली है, मकान भेजा चाबी, अभी मेरे को जरूरत नहीं है, 4-6 महीने में जब तेरा इंतजाम हो गया फ्लैट वो मेरा खाली करके चाबी का। मौलाना 10 साल हो गए निकलने का नाम नहीं लेता, हमारे भाइयों में आपस में झगड़े शुरू हो गए, हमको जरूरत है, क्यों दिया बोले तूने, उसने कहा ये कैसी तबलीग मेरे को। और रोते हुए हमारे पास आया आपके साथी, कहा बोले कुछ पैसे की जरूरत है, 25,000 रुपये, और एक बनिया है मारवाड़ी, 2% पर पैसे देता है वो सूद से, चाह रहा उसके पास से ले लूँ। दूसरे साथी ने कहा बाबा गंदगी में कहीं को पड़ता है, 25 साल तक को 50 दे जा मेरे पास में, जब तेरे पास आएंगे देना, मैं 5 साल हो गए बोले मेरे को अभी पैसे की जरूरत है, देने का नाम नहीं देता, ये कैसी तबलीग, हाँ टोपियाँ नहीं पहनाना है अपने को, मामला हमारे एकदम क्लियर हो साफ सुथरे, क्या कोई माई कराल दावा करेगा, क्या बड़ी बड़ी बातें करे, छोटा मुकदमा दायर किया हमारे खिलाफ तुमने, जमीन दबाई, मकान हड़प किया तुमने, हमारे पैसे वापस नहीं किए, हमारे मामला एकदम क्लियर हो, कोई 10 पैसे का दावा नहीं करे, माशरत अच्छी हो हमारे घरों में, हया है, शर्म है, पर्दा है, अब ये दुनिया के फैशन ने हमारी पर्दादार माँ बहनों को बेपर्दा कर दिया। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया एक ज़माना आएगा औरत कपड़ा पहनकर भी नंगी होगी, फिर आपने उसकी वजाहत फरमाई, इतना बारीक कपड़ा वो पहनेगी कि उसका बदन उसमें से छलकेगा, या इतना चुस्त और फिट कपड़ा होगा कि उसके बदन का एक हिस्सा आप गिन लो,
अब ये इसकाफ के नाम पर, नकाब के नाम पर, बुरके के नाम पर हमारी माँ बहनें बेपर्दा हो गई। अब ऐसे फिटिंग के स्काफ और बुरके और नकाब मार्केट में आ गए मेरे बुजुर्गों कि उसका पहनना नहीं पहनना दोनों बराबर कश। उसमें एम्ब्रॉयडरी लगी, उसमें फिटिंग लगी हुई, ना देखने वाला भी उसको देखो। हमारा तो शरीयत का, हमारे दावत का नकाब शरीयत का नकाब तो है, अगर उसको औरत पहन ले तो पता ना चले 16 साल की जवान बच्ची तक की बुढ़िया है। हम इसको नकाब के सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक का पर्दा है, औरत की आवाज भी पर्दा है। अरे मेरे बुजुर्गों, ये अमला अपनी जिंदगियों को नमूना बनाए काम के एतबार से, सुन्नत और शरीयत तो मकसूद करना दावत का बुनियादी मकसद है। शरीय पर्दा हमारे घरों के अंदर, हया शर्म, घर का दीनी माहौल बने इस दावत के रास्ते से। अखलाक अच्छे हो काम करने वालों के, वहाँ अमीर साहब को होटलों में ले जाके दावत करा, धमाकों की दावत करा रहा, और यहाँ घरवाली को खर्चे को तो पैसे देने को तरसाता है, दूध के पैसे नहीं, खर्चे के पैसे नहीं, परेशान होती है वो। ये कौन सी तकलीफ, बाहर पैसे उड़ा रहा और घर वालों को तरसाना, ये कैसा दीन, ये कैसी दावत। दाखिल हो तो शेर बन जाता, घरवाली कांपने लगती, पता नहीं क्या गाली देंगे, क्या माँ बहन निकालेंगे। बच्चे बोले अब्बा आए, अब्बा आए, कोई बैठ के नीचे छुपा, कोई बंदे के नीचे छुपा, सोच अरे कोई जिन्ना चैता नहीं है घर में, बाप आया इसका। लेकिन ऐसा हुआ, घर का ये फिर जाकर ये घरवाली कांपने लगती, बच्चे जो भागते इससे दूर होते, बुजुर्ग फरमाने को मैं सबसे बेहतर वो जो अपने घर वालों के हाथ में बेहतर अलगनबी के मामले में अजमाइश भी कर फरमाती। आप आते थे, झाड़ू देते थे, बकरियों का दूध धोते थे, सफाई करते थे, बहुत से छोटे बड़े काम आप खुद अपने हाथों से कर लिया करते थे। और आप फरमाते मांगी अम्मा सर, आपने कभी अपनी इंतजाजी शान नहीं बताया, मैं इतना बड़ा नबी हूँ। वहाँ तो अमीर साहब के सर में तेल लगा रहा, अमीर साहब के पैर दबा रहा, इसको पूछो शादी कभी बूढ़े माँ के सर में तेल लगाए क्यों तुमने, कभी अपने बूढ़े बाप के पैर दबाए। घरवाली को सुनकर माँ को डांट रहा, माँ की सुनकर घरवाली को मार रहा। हर एतबार से हमारा अमला नमूना बने काम के अंदर, मामला माशरत। अल्लाह की मदद इशराक शास और तहजुद पर नहीं आइए, अल्लाह की मदद आइए मामला की सफाई माशरत की बातें। वाक्य नहीं सुना, वो दिन सब सफर कर रहे थे, तेज हवा चली, जान बचाने के लिए गार में कूद पड़े। इनका घर में कूदना था, ऊपर से चटान आकर उसने घर को बंद कर दिया। अब तीनों अंदर फंस गए, तो इशराक और तहजुद और चाश इनके मदद का दरवाजा नहीं बनी। मदद आई मामला की सफाई पर, माशरत की बात अखलाक की। अल्लाह, मेरी चटादा बहन थी, उससे मुझे मोहब्बत हो गई थी, वो चाहती थी, मैं चाहता था उससे खिलवत हासिल करूँ, लेकिन उसने मौका नहीं दिया। एक मौके पर वो परेशान होकर मेरे पास अनाज लेने के लिए आई, मैंने उससे कहा मेरी वही शर्त है अपने दरमियान खिलवत का मौका दे। वो माजूर थी, मजबूर थी, तैयार हो गई। ए अल्लाह को जानता है, जब उस लड़की पर काबू पाया तो उसकी जबान से निकला अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, ए अल्लाह मैंने उसको छोड़ दिया तेरे डर की वजह से, अगर यह अमल तेरी रजा की तो निकाल इसको मुसीबत से हमको। इससे वो चट्टान सर गई, लेकिन एक आदमी भी निकल नहीं सकता था। दूसरे ने अपने मामला को रखे, ए अल्लाह एक मजदूर को मैंने अपने पास मजदूरी के लिए रखा, एक जमाना उसने गुजारा मेरे पास मजदूरी की, लेकिन जब मजदूरी लेने का वक्त है बगैर मजदूरी वो चला गया। अब जब लौट कर आया काफी वक्त के बाद, मैंने अपना पूरा माल उसके हवाले कर दिया, सब तेरा ले जा, तेरी वजह से हुआ, तेरे माल की वजह से, अल्लाह ये अमल तेरे लिए हुआ तो निकाल। वो चटान और सर की, फिर भी एक आदमी भी नहीं निकल सकता था। तीसरे ने अखलाक की बुलंदी को रखा, अल्लाह तू जानता मैं बकरियों का चरवाहा, रोजाना जंगल ले जाकर बकरियों को चराता, और जब वापस आता सबसे पहले अपनी बकरियों का दूध निकाल कर माँ को पीने के लिए देता, उसके बाद अपने बच्चों को पिला। अल्लाह तू जानता है एक वक्त ऐसा आया मुझसे देर हो गई, ताखिर हो गई, घर पहुंचने में माँ की आंख लग चुकी थी, माँ सो चुकी थी, और मैं दूध का प्यारा लिए सारी रात माँ के सराहने खड़ा रहा, उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा। कि अल्लाह अगर ये अमल तेरी रजा के लिए हुआ है तो हमको इस मुसीबत से निकाल। वो चट्टान पूरी तरह सर गई और तीनों आफियत के साथ बाहर निकल गए। मुझे ये अर्ज करना है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बगैर सिफात नबवी के कोई इस मैदान में चल नहीं सकता, इसके लिए ये नबवी सिफात चाहिए। और वो नबवी सिफात आएगी कुर्बानी के रास्ते से, दावत के रास्ते से। मलकुल मौत बन के सवारों को जरा रुको, वो सिफात आएगी कुर्बानी और दावत के रास्ते से। जितना हमारा ये मजमा इस मैदान में अपने को घसेगा, मेरे से कोई ईमानदारी की बात है। सुबह से शाम तक हम मार्केट में मेहनत मजदूरी करते हो, अपना पसीना
तब कहीं जाकर दो रोटी दो बोटी का मसला होता है, उम्मत की हिदायत का मसला, मेरी तुम्हारी नजात और मौत और सकरात और आखिरत का मसला बगैर कुर्बानी कैसे हो सकता है। अल्लाह कह रहा है, ओ जय फुरवार वाले, तुम तो क्या हो गया, जब तुम्हारी तस्वीर होती है तो बहाने बताते हो, मेरे जॉब का मसला, मेरे कारोबार का मसला, मेरी फैक्ट्री का मसला, मेरी बच्चे की डिलीवरी का मसला, मेरे बच्चे के निकाह का रुख सभी। अल्लाह कह रहे क्या हो गया तुमको, तुम्हारा दुनिया का कोई काम रुकता नहीं है, अगर फर्क आता है तो हमारे दिन के काम में फर्क क्यों आता है। अल्लाह सवाल कर रहा है जयपुर वालों से, तुमको क्या हो गया। या अय्युहल लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाही इस्तक़ामू, तुमको क्या हो गया, जब तुम्हारी तश्किल होती है तो बहाने बताते, अरे हमने तुमको जयपुर के अंदर एक मार्केट क्या दे दी, एक कारोबार क्या दे दिया, एक घर और मकान, इस पर तुम राज टपका रहे हो, और उसी तुम बिन हयात की दुनिया मिलत आखिरत, तुम दुनिया की जिंदगी पर आज आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में, फिर अल्लाह ने ये इसकी वैल्यू बताई, हकीकत क्या है। कहा देखो ये जो कुछ भी है ना, ये आते में नमक की तरह, ये बेहैसियत है, बेहूत में बेटी मत हमामत और हयात की दुनिया फिर आखिरत की ना कभी, ये बहुत थोड़ा है जिसको तुम बहुत कुछ समझ रहे हो, इसकी कोई हैसियत नहीं आखिरत की नेमतों के मुकाबले में। और इससे अगले आयत में अल्लाह ने मेरे को तुमको झिंझोड़ा बिठाड़ा है, अल्लाह ने नीचे से ऊपर तक मेरे को तुमको, अल्लाह ने कहा ये सब सुनने के बावजूद भी तुम हरकत पर नहीं आओगे, दीन पर नहीं आओगे, दीन की मेहनत में नहीं आओगे, मैं क्या करूँगा तुम्हारा, तुम्हारी सासों का दुश्मन बन जाऊँगा, जीत की तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बनाऊंगा, इतना तन फिर वो यौजिब को आजा बना दी, तुम नहीं निकलोगे, हम तुम्हें दर्दनाक आजाब में मुब्तला कर देंगे। मेरे बुजुर्गो, अल्लाह को मुसलमान प्यारा नहीं है, अल्लाह को अपना दीन ही प्यारा है, कोई वादा नहीं है मुसलमान के साथ अल्लाह का, सारे वादे अल्लाह के दीन वालों के साथ हैं, और ये मेहनत जिंदगी में दीन के जिंदा करने की मेहनत है, इसलिए जहन्नम बचाओ। मेरे को तुमको नहीं पता ये करबला का इज्तिमा किस किसकी जिंदगी का आखिरी इज्तिमा है, बहुत हो गया इज्तिमा, घबराओ मत, अभी क़यामत को बहुत वक्त बाकी है, लेकिन मैं और आप जिंदा रहेंगे इसकी गारंटी क्या है। मैं अभी नहीं, मैं बाद में जाऊँगा, मैं रमज़ान के बाद जाऊँगा, शव्वाल में जाऊँगा, रजब में, अरे किसने देखा शव्वाल और रजब, कल क्या पल का भरोसा नहीं है, इसलिए जान बचाने में फायदा नहीं, जान झोंकने में फायदा है। अल्लाह कह रहा है मकसद पर नहीं आओगे, हरकत में नहीं आओगे, यौसिफ को मासा बना लीमा दर्दना खजा में मुबतला करें, फिर कौन करेगा राजस्थान में जयपुर में अल्लाह के दीन का काम। अल्लाह कह रहे तुम नहीं आओ सही, और नहीं आओ सही, वैसे फिर कौन कहीं रखो, तुमको हटा के दूसरों को लाएंगे, इस मैदान में खड़ा करेंगे उनको दावत की तबलीग की, हिदायत का नूर उतारेंगे इनके दिलों में, वाला तदुर शैया, अल्लाह कह रहा है जयपुर वालों तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्यों वल्लाह वाला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह कह रहा है वो चीज़ मेरे कंट्रोल के बाहर की नहीं, मैं ये कर सकता नहीं कर सकता। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जान बचाने में फ़ायदा नहीं, जान झोंकने में फायदा है। हमें इस वक्त दुनिया के मुल्कों की जमातें बनानी है, और देखो एक बात आखिर में ऐसे करता हूँ, माल की बुनियाद पर जमातें नहीं बनती हैं, माल अगर बुनियाद होता तो ये हमारे जयपुर में सैकड़ों नहीं हज़ारों के जनाजे उठ गए, जिंदगियां ख़त्म हो गई, चले गए कब्रों के अंदर, लाखों पति थे, करोड़ों पति थे, प्रॉपर्टियों के मालिक थे, जिंदगी में इनको हज बैतुल्ला नसीब नहीं हुआ, करोड़ों पति थे, अल्लाह बता रहे मान बुनियाद नहीं, अंदर की कुरन, अंदर की फिक्र, अंदर की तलब बेचैनी ये रास्ते खोलती है, इसके लिए दुनिया की ज़मीनें तरस रही हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, कहीं 80,000, कहीं 1,20,000, कहीं 40,000, कहीं 1,70,000 अरब मुर्दद हो चुके हैं, अरब जीत के ईमान की कस्में खाए, जाकर देख लो ये चेनी है, वेनेजुएला है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना, तुमको पता चलेगा जिनके ईमान की हम कस्में खा सकते थे, वो माँ बहने हमारे अरबों की जिनके सर का बाल वहाँ कोई न देख नहीं सकता, पैर का नाखून, आज उस अरब की वो बेटियाँ यूरोप के अंदर आपको जींस और स्कर्ट के अंदर और टी शर्ट के अंदर नंगी घूमती हुई नजर आएगी, हमको नहीं पता इसमें कितने अल्लाह के नबी का खानदान होगा, कितने हजरत उमर के खानदान के, कितने सिद्दीक अकबर के खानदान के लोग हैं इसमें, कल क़यामत में जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, अल्लाह ये जयपुर वाले से पूछेगा तुम तो खाने कमाने में दुनिया सजाने में लगे हुए थे, और वहाँ हमारे नबी की उम्मत मुर्तद हो रही थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बहू बेटियाँ अपनी उमंग, अपने अरमान, अपनी ख्वाहिश और चाहत को पूरा करने के लिए अपने ईमान का सौदा करके मनचाही जिंदगी गुजार रही थी। अल्लाह कहेगा राजस्थान वालों, तुम्हारे नबी ने तुम तक दीन पहुँचाने के लिए अपना बायकाट बर्दाश्त किया, तुम्हारे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, तुम्हारे नबी की दो दो तीन तीन बेटियों को तनावे दिलवाए गए 7.5 किलोमीटर तक, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ की वादी में घसीटा गया, तुम्हारा नबी तो ताइफ में चल भी नहीं सकता था, दोनों जूतों के अंदर तुम्हारे नबी के खून जमा हो गया था। अल्लाह कहेगा तुम अपने को नबी का आशिक बतलाते हो, नबी की मोहब्बत का दावा करते हो, नबी की मोहब्बत का दम भरते हो, जिस जमाने में जिस सदी में हमारे महबूब का दिन मिट रहा था, दीन की धज्जियां उड़ रही थी, दीन के जनाजे निकल रहे थे, अल्लाह पूछेगा कुरबानो ये तो बताओ तुमने हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को जिंदा करने के लिए कितनी जान लगाई और कितना माल लगा। अल्लाह की अदालत में जवाब देना भारी हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों, सुबह का बुला शाम को खड़ा जाए इसको बुला नहीं कहते,
इस वक्त दुनिया के मुल्कों की हमें जमाते बनानी, दूर दराज ममालिक ऐसे जहाँ की जमीन अल्लाह के नाम को तरस रही है। एक अभी हाल के अंदर एक फैमिली से हमने मुलाकात की, गुज़िश्ता महीने के अंदर बोले मेरी पूरी फैमिली इस्लाम को छोड़ दिया, बोले हम अब तुम हमारे पास मत आया करो। भाई वजह क्या है? कहा बीमार हो गए, मिशनरी के लोग दवा खाने आते थे, हमारा इकराम करते थे, हमारी खिदमत करते थे। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमको अपने मजहब की दावत दी, हमको उनका मजहब अच्छा लगा, हमने इस्लाम छोड़ दिया। और आज तक तो हमारी जिंदगी में कोई हमारे पास इस्लाम की दीन की दावत लेकर नहीं आया। आज हमारी वजह से हजरत मोहम्मद सासन जो बद मुर्ता जो नहीं कर, अल्लाह पूछेगा हमको आपको छोड़ेगा नहीं। इसके लिए मेरे बुजुर्गों अल्लाह के वादों के यकीन के साथ रोजी कमाई बनना है। एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक काले मिट्टी का काम करता है, अल्लाह उसके मुकद्दर की दो रोटी दो गोटी देता है। हम तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम करें, वो अल्लाह मेरे को तुमको भूखा मार या अल्लाह की गैरत के खिलाफ है। बनियों वाली मेहनत करने वाले को अल्लाह पाले नबी का काम करके हम भूखे मरे। एक आदमी मेरे को तुम बताओ जयपुर में राजस्थान में तबलीग में लगा तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लूट गया। मैं कसम खा करके तो आप नहीं बता सकते। और इसी जयपुर में 50 पैसे मिलेंगे, कोई शराब के अड्डे पे लूटा, कोई रंडी के सिन्हा के अड्डे पे लूटा, कोई सूद और रेस के और मटके के अड्डे पे लूटा, और ऐसा लूटा कि उसकी जितनी प्रॉपर्टी और जायदाद थी कौड़ियों के दाम भी किए कौड़े के। उसके बाल बच्चे भीख मांगने लग गए। दुनिया की निस्बत पर बर्बाद होने वाले 50 घराने मिलेंगे, एक घर तुम नहीं बता सकते जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर जान माल लगाया और बर्बाद हो गया। अरे जिनको खाने के वादे थे अल्लाह ने नस्लों के रोजे का दरवाजा इसकी बरकत से खोला है। जो दुनिया में जलील समझे जाते थे, देखो आइडियल हमारे जैसा हवा है नमूना, इनकी जिंदगी को देखो क्या हाल था इनका। फरमाते थे अल्लाह के कसम हम जलील थे, अल्लाह ने काम की बरकत से दीन की बरकत से हमको इज्जत दी। फरमाते थे हम बकरियां नहीं चरा सकते थे, अल्लाह ने मुल्क की गवर्नरी हमारे कदमों में ला के डाली। फरमाते थे जिन हाथों से दांतों से पत्ते चबा कर पेटों पर हमने पत्थर बांधे हैं, उन्हीं हाथों से फावरों से सोना काट काट के हमने तकसीम किया है। आखिरी बात समझ लो मेरे बुजुर्ग, अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन की बरकत से तो दुनिया दे देता है, लेकिन दुनिया के चैनल से दीन नहीं मिलता। जैसे सहाबा इनको जो कुछ भी मिला सब दीन की बरकत से था। इसलिए अल्लाह के वादों के यकीन के साथ हर 3 महीने में ये हमारा राजस्थान निजामुद्दीन में जाकर कारगुजारी सुनाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 महीनों में हमारे यहाँ से 5 माह बैरून की इतनी जमातें, 4 माह अंदरून और पैदल इतनी सवारी, इतनी मस्तूरात की 2 माह बैरून। अब काम होगा तो कारगुजारी बनेगी, काम नहीं तो कारगुजारी कहाँ से बनती है। इस वक्त हमें अजायम करने हैं, इरादे करने हैं और अपने आप को पेश करें हम कि हम आए थे करबला के सालाना इज्तिमा में, अल्लाह ने बात इल्म उतारी। इंशाल्लाह इन 3 महीनों के अंदर, ये तो ईमानदारी की बात की थी, इसी वक्त नकद जमाते रवाना हो जाती, लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए जेब पर निगाह ज़्यादा होती है, रब पर कम होती है, रब पर कम होती है। मैं चला गया इस हाल में तो मेरा क्या हुआ, कभी ये भी सोच लिया करो ईमान के बनाए आमाल के बनाए अगर मैं दुनिया से गया तो मेरा क्या होगा। ये तो माशाल्लाह अल्लाह ने अपने को मौका दिया है, 3 महीनों के दरमियान आपका तफक्कुत होगा, सुबह वाले तफक्कुत करेंगे, ये तफक्कुत बादशाह निज़ामुद्दीन जाएगा, वहाँ रुख तय होगा, फिर उसके बाद जो मुल्क तय होगा वहाँ से रब्ता होगा, वहाँ से रिस्पॉन्सर लेटर आएगा, आपकी वीज़ा टिकट, 3 महीने तो तकरीबन हो ही जाते हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र है, अपने को तैयारी का अल्लाह ने मौका दिया, 3 महीनों के दरमियान में जमात जाएगी। इसके लिए बुजुर्गों अल्लाह के वादों के यकीन के साथ 2 लाख खर्चा, 2.5 लाख खर्चा, 5 लाख खर्चा, खुला खर्चे के साथ अपने आप को पेश करके इंशाल्लाह मैं 5 महीने बैरून अल्लाह के रास्ते में निकलने को तैयार हूँ। ऐसे साथी अपने नाम पेश करें जिनके 3 मरतबा 4 महीने लग चुके हो, या फिर एक 4 महीने लगा लेकिन एक बैरून का सफ़र ये पहले कर चुके हो 4 माह 5 माह का। फरमा वो चलो हिम्मत करो, अल्लाह भाई जयपुर वालों तुम्हारी जानों में मालों में आदमी औलाद में सब में माशाल्लाह नए नए नाम